ये वास्तव में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है इनका। और मैं समझता हूँ इसीलिए हम इनको इनकी पेट थपथपाने आए हैं और इनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि आपके कारण समाज बच रहा है, आप तपस्या कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी तपस्या होती है कि अपने घर को घरबार को छोड़कर और यहाँ पर सेवा करना, तो बड़ी तपस्या है। तो हम इनकी तपस्या को प्रणाम करने आए थे और ये ज़रूरी है कि इस प्रकार के लोगों को समय समय पर अप्रिशिएट किया। देवी अहिल्या प्रतिमा पर भी आप जा रहे हैं क्या? देवी अहिल्या प्रतिमा पे ऐसा लोगों ने कहा कि देवी अहिल्या जी शिव भक्त थी और उनको ये आशीर्वाद था कि इंदौर शहर में कभी भी भुखमरी और महामारी नहीं आएगी। हम एक बार फिर से उस शिव भक्त देवी अहिल्या के चरणों में प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इंदौर में जो हो गया वो ठीक है पर आगे सब अच्छा हो, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए महामृत्युंजय जाप की भी आपने बात कही, किस तरह का एक जाप है, कितने पंडितों द्वारा किया जा रहा है? ये सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, इसमें लगे हुए पुलिस कर्मी भी, इसमें सब लगे वो सब लगे हुए जो समाज को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारे 21 ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जाप चल रहा है पिछले 8 दिन से। आगे भी जब तक ये महामारी समाप्त नहीं होगी जब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये सब लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ। इंदौर में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर, मौत का आंकड़ा भी लगभग 9 हो चुका है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अधिकारियों से, किस तरह की चर्चा आपकी हुई? देखिए पिछले 8 दिन से तो मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है उससे प्रशंसा करना चाहिए। ये बात सही है कि संख्या बढ़ी है, पर यदि ये मेहनत नहीं की होती तो संख्या बहुत बड़ी होती, और इसलिए इसको रोकने के लिए जो मेहनत की गई है, जो काम किया गया है, वो प्रशंसनीय है।